जब आप किसी मूवी की टिकट ऑनलाइन बुक करने जाते हैं तो आपके सामने मूवी टिकट के दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक होता है नॉर्मल टिकट, जो आपको नॉर्मल थिएटर में बैठ के मूवी दिखाया जाता है, और एक होता है आईमैक्स, जो कि नॉर्मल थिएटर से काफी ज्यादा अलग होता है। और आईमैक्स की टिकट नॉर्मल टिकट के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा महंगी होती है। और जो मूवी आईमैक्स थिएटर में दिखाई जाती है उसे आईमैक्स फॉर्मेट में ही शूट किया जाता है, मतलब कि उसमें कैमरा और साउंड इक्विपमेंट सब कुछ आईमैक्स फॉर्मेट वाला होता है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है आखिर ये आईमैक्स और नॉर्मल थिएटर में अंतर क्या होता है और आईमैक्स इतना अलग क्यों है? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। बॉलीवुड की धूम 3 आईमैक्स फॉर्मेट पर बनी पहली हिंदी मूवी थी। असल में आईमैक्स एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें 70 mm तक की हाई रेजोल्यूशन दिखाई जाती है, मतलब कि आईमैक्स थिएटर में आपको वाइड स्क्रीन और हाई क्वालिटी ऑडियो का एक्सपीरियंस मिलता है। और इसमें मूवी देखने में आपको ऐसा फील होगा कि आप मूवी के उस सीन में चले गए हो। 1967 में कनाडा की आईमैक्स कॉर्पोरेशन ने इसे पहली बार स्टेबलाइज किया था। और आईमैक्स मूवी को शूट करने के लिए फिल्म मेकर्स को पहले आईमैक्स सर्टिफाइड होना पड़ता है, और आईमैक्स मूवी को शूट करने के लिए 65 mm कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है।